बिहार में अनेक गुण हैं, लेकिन एक भारी कमी भी है और वो ये कि सबसे ज्यादा फीसद परसेंटेज अनपढ़ लोग इलिटरेट्स बिहार ही में हैं। लेकिन अब समाज ने करवट बदली है और मुजफ्फरपुर जिला में एक जोरदार पूर्ण साक्षरता अभियान चला है। हर बच्चे और जवान को साक्षर बनाना है, पढ़ा लिखा देना है। बहुत बड़ा चैलेंज है, क्या ऐसा होगा ये आप डिसाइड करेंगे प्रोग्राम देखने के बाद। लेकिन उससे पहले हम आपको दिखा रहे हैं कुछ दृश्य मंजर उन लोगों की जिंदगी से जिनको साक्षर बनाना है, ताकि आप और हम और सरकार भूल न जाएं कि इस साक्षरता अभियान की पृष्ठभूमि बैकग्राउंड क्या है और किस पढ़ने वाले के सीने में क्या आह दबी है। क्या स्कूल जाती हो सुशीला? जी मैं ना जाए देती रहा काम। क्यों नहीं माँ जाने देती स्कूल? काम धंधा करते रहिए जी। आंगन में झाड़ू देती हूँ, बर्तन मांजती हूँ, चूल्हा जलाती हूँ, लकड़ी चुन के ले आती हूँ, बकरी चराती हूँ। तुम कितनी बड़ी थी जबकि शुरू किया कर लिया घर का काम धंधा? जितने बच्चा रही ना इतना को रही तो हम काम धंधा करे लग। तो अभी तुम बच्चा हो या जवान हो गई या बूढ़ी हो गई? जी अभी बच्चे वाली। तो मन को कुछ सदमा पहुंचता है? जी तकलीफ आ जाता है। अच्छा। जी तकलीफ आ जाता है, जब पढ़ा लिखा रहते हैं तो लोग अनपढ़ नहीं ना कहता। गाली देकर बुलाते हैं, धनी लोग हैं, चुप रहना पड़ता है। उन्हीं के यहाँ काम करना है, वो हमारी बकरी भी चुरा सकते हैं और झूठे केस में 1000 रुपए के मुकदमे में फंसा सकते हैं हमको। खेत में झाड़ा फिरे जाएंगे तो माने मारेंगे। अगर खेत में नहीं जाओगे सुबह सुबह तो फिर कहाँ जाओगे? सर तो हमारा तो कोई वकील नहीं, हम काम करता है, हम लोग का तो अपना जमीन नहीं है जी, अपना जमीन। लेकिन मुश्किल है कि हमारे पास कोई शौचालय तो है नहीं, अपना खेत भी नहीं है। सुबह मालिक के खेत में जाते हैं तो डरते रहते हैं कि कब उसका आदमी पीटेगा मारेगा। गरीबी है, कमाते हैं तो खाते हैं, नहीं कमाते तो उपवास पढ़ते हैं। उपवास करना पड़ता है तो पेट खाली होता है तो नींद आ जाती है? जी ना, छानमन छानमन प्राण नींद ना पड़ते हैं। दर्ग 15 दिन पानी पी के 10 दिन है तो लोग खलक पीला। 15 दिन पानी पीकर सो जाते हैं, कुछ नहीं खाते, 10 दिन खाते पीते हैं। आदमी को गुस्सा बहुत आता है, मुझे बहुत मारते पीटते हैं। आफत की लंबी कहानी अभी, और गरीबी तो है ही लेकिन उससे भी बड़ी मजबूरी है काला आजार। क्या लगता है कि अगर दवा नहीं होगा तो फिर क्या होगा तुम्हारा? दवा सुइया ना हुई तो मर जाए। अगर दवा सुइया नहीं होगा तो मर जाओगे? किसी से कहा नहीं है कि हमको दवा सुइया कर दो? आदमी कहता है इलाज नहीं करेगा, नाना और मामा ने भी इनकार कर दिया। मांग कर तो खाती हूँ, मेरा बच्चा कैसे जिएगा? आप शायद सोचें कि काला आजार और गरीबी से क्या ताल्लुक साक्षरता का। बात यह है कि अगर इतना दुख हो और इतनी लाचारी तो कैसे पढ़ाई में दिल लगेगा। क्या इस लाचारी की खबर मुजफ्फरपुर के सामू संपूर्ण साक्षरता प्रोग्राम को है? और क्या इस प्रोग्राम ने इस पर भी नज़र डाली है कि बिहार में, और बिहार ही क्यों देश में, जगह जगह पर उच्च शिक्षा के स्तर में इतने हैरतअंगेज बदलाव आए हैं कि उंगलियां उठ चुकी हैं? क्या इस फिजा में पूर्ण साक्षरता अभियान कोई मायने रखता है? मुजफ्फरपुर में कॉलेज के छात्रों ने बताया कि इम्तिहान में क्या होता है। अगर हम लोग रूम में, मैंने कि संख्या अधिक है हम लोग लड़कों लोगों का, और 10-20 लड़के मिल गए और कहें भाई हाँ कुछ चोरी होनी चाहिए, तो लड़के लोग कहें हाँ भाई होगी, तो उस समय हम लोग सर को प्रेस डालते हैं कि सर थोड़ा सा आप बाहर रिलैक्स करने के लिए जाएं, हम लोग चोरी नहीं करेंगे। तो सर कहें देखो हल्ला मत करो, कहें ठीक है हम रूम के बाहर हैं लेकिन तुम लोग हल्ला नहीं करोगे, शांत से जो चीज़ लिखना है जो चीज़ निकालना है अपना लिखो आराम से किसी ढंग का, क्योंकि हमारे ऊपर भी आदमी है। तो बस सर बाहर की ओर हैं और हम लोग अपना जो चोरी करने का जो कुछ ले गया, जिसे हम लोग आर्ट के स्टूडेंट हैं तो हम लोग पॉइंट वगैरह ही लिखेंगे, अगर कोई फ्लाइंग स्क्वायर वगैरह कोई आए तो उस समय हम लोग को कह दिया जाता है कि भाई। कौन कह देता है? कौन, वो आर्ट से ही पता चलता है, वो 4-5-10 प्रोफेसर एक साथ आते हैं। ये मैट्रिक की परीक्षा में किए थे, क्या किए थे? चीट किए थे। अच्छा,
जो मैट्रिक की परीक्षा में आप चीट किए थे, तो क्या ये बोर्ड की परीक्षा थी, बोर्ड का इम्तिहान था? जी बोर्ड की थी। तो कौन से सब्जेक्ट में आपने करा था? ये इंग्लिश में आप बायोलॉजी में किए थे। तो इस माहौल में साक्षरता अभियान कोई मायने रखता है क्या? बहुत गहरा मायने रखता है, क्योंकि गौर से देखिए नुक्कड़ नाटक के जरिए अभियान का प्रचार कौन कर रहा है। पढ़े लिखे से फायदा होइ छै ना? ना ना होइ छै। अरे डॉक्टर इंजीनियर बनबे, कलेक्टर बनबे, समाज में इज्जत पाबे रे, हमरा ना पढ़े के है। अरे पढ़े लिखे से फायदा जिंदगी भर उठे छाप रहबे रे। पढ़े से की होते बताबो, की होते पढ़े से? पढ़े से कुछ ना होइ छै? ना है बताबो की होइ छै। अरे बेटा तोरा कहै छियो पढ़े लिखे ला रे, रे बेटा पढ़े लिखे ला रे। अरे पढ़बे लिखबे तो अफसर बनबे, हाकिम कहबे रे। इम्तिहान में चीटिंग भी करते हो और लोगों को पढ़ने लिखने के लिए जोश भी दिलाते हो, क्यों? कि जो हम लोग गलती कर चुके वो गलती कोई नहीं करे, वो बचपन से ही पहली क्लास से ही मजबूत बने। हम लोग वो बच्चे जो पेड़ के समान है, उसमें हम लोग पानी देते हैं, उसको बोते हैं, कोड़ते हैं कि पेड़ अच्छा फले। जो हम हैं यानी पतझड़ पेड़, उस टाइप का नहीं बने। मुजफ्फरपुर में संपूर्ण साक्षरता सामूह अभियान की ये है पृष्ठभूमि, बैकग्राउंड। केरला से उठी साक्षरता की तेज आवाज तराई के इन गांव में गूंजने लगी। जुलाई 1990 में प्रशासन और जिला के शिक्षकों, व्यापारी, विधायक, प्रमुख, सरपंच सब ने मिलकर ऐलान कर दिया कि 2 साल में 10 लाख अनपढ़ लोगों को पूरा पढ़ा लिखा देंगे। अनहोनी बात थी, उत्साह सैलाब की तरह उठा, क्लासेस शुरू हुई और देखते ही देखते पुरानी रिवायतें बदलने लगी। पुरुष स्त्रियों को पढ़ाने लगे, महिलाएं पुरुषों को। लेकिन निरक्षर किस उम्मीद से पढ़ रहे हैं? जो कमाते है, कमाए। तकलीफ तो ये है कि उम्र भर मुझे लोगों ने ठगा है, हिसाब नहीं आता, बेईमानी सहनी पड़ी है मुझे हमेशा। जब लोग ये कहते हैं कि आपकी पत्नी तो पढ़ी लिखी है और आप नहीं पढ़े लिखे, तो उस वक्त मन में कैसा होता है? इस शर्मिंदगी की बात है, ये है लाखों लाख हजार हजार आदमी देख रहे हैं और आदमी जान रहे हैं कि इनका पति पत्नी है। ये हमें पता नहीं था कि हमारी पत्नी पढ़ी लिखी है, तो शुरू में शादी करवा नहीं कहते। कलकत्ता में जैसे काम करते थे तो डर लगते रहता था कि लोगों को पता लगेगा मैं अनपढ़ हूँ तो फिर क्या होगा? हमें हमेशा मनोविश्वास था, लोग को विश्वास होता था कि पढ़ा लिखा है या अनपढ़ थे, कि भाई हमें कोई पूछ देगा कि लिखना है या पढ़ना है, वो हम क्या कहेंगे। तो पढ़ने से यही से बुद्धि न बढ़ता है और नहीं पढ़ने से मूर्ख रहिए। न किसी चीज का ढंग आता है, न बोलने का ढंग, न बैठने का, न दस्तखत करने का। कोई हुनर सीखेंगे, कोई अकल सीखेंगे, कोई बिजनेस सीखेंगे। और ये लड़कियां बहुत परेशान थी क्योंकि माँ बाप इन्हें प्राइमरी स्कूल नहीं भेजते और शाम की क्लास में ये जा नहीं सकती क्योंकि किताबें नहीं मिली हैं इन्हें, लिहाजा इन्हें डर है कि कभी चिट्ठी लिखना नहीं सीखेंगी। चिट्ठी किसको लिखना है, किसको चिट्ठी लिखोगे? माँ बाप को लिखोगे, लेकिन अभी तो तुम माँ बाप के पास हो। सर कब लिखोगे चिट्ठी? शादी के बाद। जब शादी हो जाएगी तब चिट्ठी लिखोगे? सर उसके लिए पढ़ना लिखना चाहते हो? यस सर। और तुम भी तो उसी के लिए पढ़ना लिखना चाह रहे हो? अब शादी होने ही वाली है क्या? सर पढ़ते हैं, रात को रात पढ़ते हैं, काम करके जाते हैं तो रात को पढ़ते हैं, झूठ काहे बोलेंगे, पढ़ते हैं। तो पढ़ते हो तो वहाँ पर जाते हो तो कैसे लगता है पढ़ने में? पढ़ने में अच्छा लगता है, कुछ जानकार होगा माने नाम कोई, अब उठा बोलेंगे तो वो सोवेगा और दस्तखत करेंगे तो वो तो सोवेगा, गुरमीन का घर में नाम जाएगा। पढ़े हैं तो जैसे राजा शिल्पी उस क्लास के मास्टर हैं तो यहाँ भी पढ़ते थे और उसके बाद रात में हम जा करके उनके दरवाजे पर रात में माने दो दो तीन तीन घंटा वहाँ भी जाकर पढ़ते थे। तो ऐसी लगन है मुजफ्फरपुर के सीखने वालों में, लेकिन ये लगन यहाँ वहाँ चिंगारी का भी काम दे रही है और लोग अपने हक मांग रहे हैं, जैसे यहाँ लक्ष्मी देवी ज्यादा मजदूरी की डिमांड कर रही हैं। महीना होगा तो काम करेंगे, नहीं महीना होगा तो काम काहे करेंगे, 10 रुपया कमा के खाएंगे खुरपी से, पैसा रहेंगे तो काम करेंगे और नहीं रहेंगे तो काम ठप करेंगे। और लड़िया तहाँ तो लड़के मुकदमा कर गए, छोड़ बन तो जाना ही थे। मुकदमा भी करोगे? हाँ करेंगे मुकदमा,
कोई माने अथी 10 बीघा जमीन बेच के लेंगे, हम 3 बीघा 3 बीघा जमीन बेच के लेंगे। हमारा तो साधन, हम तो दूसरे के मकान में रहते हैं, दूसरा के जमीन में तो एक पिता जमीन नहीं है। डू यू एंटीसिपेट सम एजिटेशन इन सोसाइटी विद सो मेनी पीपल बिकमिंग अवेयर ऑफ देयर राइट्स एंड सो मेनी पीपल रियलाइजिंग दैट दे हैव बीन एक्सप्लॉइटेड फॉर सो लॉन्ग इन मुजफ्फरपुर? सी, लिटरेसी हैज नेवर क्रिएटेड और थ्रो ऑफ लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम। Perhaps this will make them more disciplined and more responsible citizen of the country. Definitely their aspiration will increase, their expectation will rise, but definitely they are not going to be lawless elements. I am very sure about it. But it can throw up frustration. I mean, it is, frustration is also aspiration, and we should be ready with suitable programs. सरकार का कहना है कि वो पढ़ने वालों के लिए इंतजाम कर रही है, लेकिन पढ़ाने वालों को भी कुछ दे रही है या ये लोग खुद पढ़ा रहे हैं और क्यों? पढ़ाती इसलिए है कि अनपढ़ को ज्ञान हो, अनपढ़ को ज्ञान हो और पैसा किसी से बाकी लेता, कर्ज लेता है तो 100 देता है और 200 लिखता है वही पर। सर इसलिए पढ़ाते हैं कि हमारे गाँव में बहुत ऐसा आदमी है कि निरक्षर हो गए हैं, उनसे कुछ भी जहाँ जाते हैं खाद उधर वगैरह तो वहाँ ठगा जाते हैं और अपना बच्चे उच्चे के दवाई भी ला जाते हैं तो ठगा जाते हैं। बहुत ऐसे से जो अनपढ़ हैं वो कुछ नहीं जानते हैं, न पढ़ना न लिखना। उनको क्या मिलेगा पढ़ा के? सर हमको सगर जी कुछ नहीं मिलेगा जी, जो ऑफिस में जाते हैं जी तो बात करने में जी लजा जाते हैं, इसलिए पढ़ा रहे हैं कि तुम पढ़ लो तो पढ़ने में लजाएगा नहीं, साफ साफ बोली निकलेगा। हम लोग जितना पढ़े हैं उतना उसको भी पढ़ा देंगे। तेल लाने चीनी लाने जाते हैं तो वहाँ बिना दस्तखत के हम नहीं दे रहे हैं वो लोग, इसीलिए पढ़ाते हैं हम लोग। जो अपने स्कूल की पढ़ाई है वो कर लेते हो या उसमें थोड़ा हर्जा हो जाता है? कर लेते हैं, कुछ कुछ छूट जाता है कर लेते हैं। 10 बजे यहाँ आते हैं और शाम कर पढ़ा कर कुछ हम भी बैठ कर पढ़ लेते हैं। न नौकरी की उम्मीद न पैसे का लोभ, 80% वॉलंटियर्स ऐसी ही 8वीं-9वीं क्लास के छात्र हैं जिन्होंने ठान लिया है कि गांव की काकी चचा मामू को पढ़ा देंगे और ये मासूम समझते हैं कि ये सरकार का प्रोग्राम है। कलाम को देखकर कहिए कि ये प्रोग्राम सरकार चला रही है या नौजवानों के कंधों पर चल रहा है ये। खलिहान, तुम्हारी टांग का नुकसान हुआ हुआ है, टांग कटी हुई है और ये जो है मैं बहुत ज़्यादा पैसा भी नहीं है घर पर, तो फिर अपना टाइम ये पढ़ाने में क्यों दे रहे हो? उसमें तो अच्छा होता है कि कुछ और काम कर लेते, उसमें कुछ पैसा टका तो हाथ में आता। लोग कहें कि सामने की पढ़ाई पढ़ाओ, कुछ आगे भविष्य में कुछ होगा। भविष्य में कौन जाने कि कलाम को नौकरी मिलेगी या नहीं, लेकिन आज पढ़ाने की ऐसी धुन, ऐसी बेखुदी कि बच्चा लोग से हैरान करता है, कलम नहीं है, कापी नहीं है, सब हम बाजार पर से अपने पैसे से खरीद के सर ला कर सब लड़कों से दे देते हैं कि तुम लिखो पढ़ो। तो अपने पैसे से पेन और किताब खरीद देते हो इन सीखने वालों के लिए? जी। 15 साल की हेमलता 10 औरतों की क्लास को पढ़ाती थी, लेकिन जिंदगी ने एक जबरदस्त झटका दिया। कुछ लोगों ने अपहरण करके उसकी शादी जबरदस्ती कर दी। आज भी हेमलता शौक में है और आवाज़ रुक रुक कर निकलती है। शाम को बोला शादी करने के लिए, हम कहे नहीं करेंगे शादी, नहीं करना है, हम कहे नहीं करेंगे। तो लोग सारी उड़ी फिर पहना कर जबरदस्ती ले गया, खींच कर सिंदूर डलवा दिया, लड़का भी बुढ़ा है। जबकि ले जा रहे थे शादी करने के लिए जबरदस्ती, तो फिर वहाँ जाके जहाँ शादी हो रही थी वहाँ चिल्लाए नहीं? तो चिल्लाए, मुँह डाल दिया लोग। व्याकुल बाप सामू अभियान के कार्यकर्ताओं के साथ हेमलता को घर वापस ले आए और इस बच्ची ने ससुराल वापस जाने से इनकार कर दिया, जो कि गांव के समाज में कभी नहीं हुआ था। लेकिन किस हिम्मत से तुमने वापस जाने से इनकार किया? उसी हिम्मत से पढ़ाते थे ना, उसी हिम्मत से। अब तुम्हें लगता है कि वो हिम्मत खत्म हो रही है या फिर थोड़ी बची उची बची है? बची तो रहेगी, बची है। उसके पिता ने और हेमलता ने दोनों ने मिलकर मुझे कहा कि हम लोग उस शादी को नहीं मानते हैं, और पिता ने कहा कि अगर मेरी लड़की जिंदगी भर कुंवारी रहती है तो कुंवारी रहेगी, लेकिन आप उस व्यक्ति को जेल भेजिए जिन्होंने इसको किडनैप किया था, जिन्होंने इसको उठाया था। तो यह हम लोगों ने किया, उसको जेल भेजा। ये परिवार में दखलंदाजी नहीं है, बल्कि परिवार को एक सही ढंग से चलाने का माहौल तैयार किया जा रहा है।
माहौल तैयार करने में शरीक हैं प्राइमरी और बाकी स्कूल अध्यापक, लेकिन इनकी इस शिरकत पर टिप्पणी हुई है क्योंकि प्राइमरी स्कूल इत्यादि में बच्चों की एनरोलमेंट तसल्ली बख्श नहीं हुई है। कहना है जो बच्चों को नहीं रख पाए स्कूल में वो बड़ों को क्या पढ़ाएंगे, लेकिन इनका सहयोग जरूर रहा है। फ्री में काम करना है, स्वयं सेवा करता है, समाज का सेवा करना है, इसलिए हमारे पास काफ़ी लगन है, जबकि कोई वेतन भोगी उतना लगन नहीं दिखा सकते हैं इस पढ़ाई में। दूसरे स्टेट जो पढ़े जितने पढ़े हैं केरला और इसके स्टेट के बराबर हम ला के खड़े कर देंगे, हमारे स्वयं सेवक में इतनी आत्म जागरूकता है। तो केरला के बराबर आप कर देंगे बिहार को? जी। ऐसी जबरदस्त चेतना आई है क्योंकि शुरू से ही एक व्यापक पब्लिसिटी संचार अभियान चलाया गया जिसने कुछ ब्लॉक्स के दूर दराज के गांव में ये पैगाम फैला दिया कि बूढ़े पढ़ो, जवान पढ़ो, पढ़े लेना किसान मेरे बहना, सब अभियान सकता ऐलान बना गण बन ले भैया, कभी ना भूलना भैया। छोटे छोटे गांव से जुलूस निकले। तरह तरह के विज्ञापन ऐलान हुए। दीवारें बोल उठी, दिन नहीं है अब वो दूर, साक्षर होगा मीनापुर। खंभों पर अक्षर उभर आए हैं ताकि राहगीर की याद में ये ताजा रहे। इसके बाद सर्वे टीम्स गांव-गांव में गई निरक्षरों का पता लगाने और जानकारी सामू ऑफिस मुजफ्फरपुर में भेजी गई। लेकिन क्या जात पात से अड़चन नहीं आई? लोगों में ये विश्वास दिलाया कि हम लोग जाति पार्टी या किसी संप्रदाय इससे अलग हैं। लेकिन जब चारों तरफ जाति के हाहाकार नारे लग रहे हैं तो लोग कैसे आपकी तरफ झुक गए? ये खास है कि जो अनपढ़ लोग हैं उन लोगों में इस बात के लिए उनको पहले समझाया नहीं गया। अगर सही माने में उनको समझाया जाए तो पढ़े लिखे लोगों से ज़्यादा वो इस बात पर समझने को तैयार होती हैं। उनकी माली हालत अगर देखी जाए और उस पर उनके दर्द को जब छुआ जाए तो ऐसा महसूस करती हैं कि ये हमारे अपने हैं और ये हमारे हक की बात कर सकते हैं। पढ़ने वालों और पढ़ाने वालों की टोलियां बनाई गई और एक विलक्षण यात्रा शुरू हुई। गांव के हर टोला में गांव वालों की समितियां बन गई हैं जो क्लासेस की जांच लेती हैं। दिक्कत हम सबों के साथ है और शिक्षु जो पढ़ने आते हैं उनके साथ तो खास तौर से दिक्कत है, इसलिए कि कतराते हैं आने से। इन पढ़ाई के लिए एक घंटा टाइम निकालना होगा। टोला से पंचायत तक और पंचायत से प्रखंड ब्लॉक लेवल तक साक्षरता की तरक्की की सूचना पहुँचती रहती है। समिति में आम लोग, जनप्रतिनिधि और सरकारी अफसर होते हैं। पढ़ाने वालों की दोबारा ट्रेनिंग होती रहती है। ये सच है कि साक्षरता अभियान जिला के सिर्फ एक ब्लॉक मीनापुर में ही व्यापक हुआ है, लेकिन यहाँ भी लर्नर्स पढ़ने वालों पर इसका क्या असर इम्पैक्ट हुआ है? बाल भारती सब आयल है, भला भात सोबी दाल मदन रेशम दशहरा ये सब आयल है। अच्छा, लेकिन ये सब पढ़ लेते हो अगर पाते हो? कम नमक कनक नाक काका ये सब पढ़ ले। अब ऐसा मालूम देता है कि अब चला रहे हैं तो हमको कोई धोखा नहीं दे सकता है। और पहले नहीं जानते थे कुछ पढ़ना लिखना, तो कहीं पर अगर लगा दिया तो पुलिस भी बिगड़ जाते थे। बच्चों से जो है ना पहले पढ़ाई छोड़ दिए थे तो अब पढ़ने शुरू कर दिया है, तो एक ठो बच्चा जो है ना। घर का सारा काम करके मैं क्लास में चली जाती हूँ। ये तो है कि कई लोग साक्षर हुए हैं, लेकिन इससे क्या पॉलिटिकल अवेयरनेस, राजनीतिक चेतना भी आई है लोगों में? मंत्री अपनी असफलता स्वीकार करे। मंत्री अपनी असफलता स्वीकार करे। ये जो वोट गिरता है ना इलेक्शन में, तो उसमें अंगूठा देते हो या साइन करते हो? साइन करते हैं। अभी 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 हाँ अभी शुरू कर रहे हैं पढ़े के, साइन कर माने लिखते हैं।
अच्छा जो पहला मैंने उठा बोलते थे, इस बार झंझट झगड़ा नहीं हुआ? नहीं भी आया होते, नहीं भी आया है, सहूलियत से हो गया। इस बार सहूलियत से वोट सबका गिर गया था? हाँ। अपने आप अपना अपना वोट गिराए थे? हाँ। और पहले क्या होता था? पहले था होता था जिसका जोर था उसका वोट गिरता था, जिसका नहीं जोर था उसका वोट नहीं गिरता था। प्रशासन का कहना है कि जैसे चेतना जागी है सो प्रखंड में चोरी डकैती कम हुई है, और शराब पीने में बहुत तो नहीं लेकिन थोड़ी कमी आई है। ये जो घर है यहाँ पे बाहर में लिखा हुआ है संपूर्ण साक्षर, तो यहाँ सब लोग बिल्कुल हो गया है, पढ़ लिख लिया है सबने? पढ़ लिख लिया है पूरा भी नहीं, थोड़ा, पूरा भी नहीं। जब पढ़ना ही है तो पूरा मजबूत हो जाना चाहिए। इतना पढ़ा कि से उतना कोई के याद होए अगर नहीं तो उतना पढ़ के क्या होगा। जब कुछ दिन टाइम मिली और तब ना जाके मजबूत हुई। पढ़ने वाले ये समझ रहे हैं कि पढ़ाने का समय कम है, तो ये तो हुई एक समस्या, क्या और प्रॉब्लम्स भी हैं? आप पढ़ने जाते हो सांझ को जो यहाँ क्लास लगता है? ना पढ़े हम ना जाए। तो क्यों नहीं जाते सांझ के? हम कहाँ पढ़े? घर के इतने काम हैं, बच्चे हैं, कैसे चले जाऊं? तो आपके घर में से कोई भी जाता है पढ़ने के लिए? गार्जियन डाला था। मेरे पति जाते हैं। वो सब जो सीखते हैं तो आपको बताते हैं कुछ? क्या ना बता वाला था? ना नहीं बताते। पेट भरता है, दूसरे खेत में कमाते हैं, खाते हैं। गरीब रहा, बाप पेट भरने की वजह से ना माँ बाप ने पढ़ाया और ना मैं पढ़ सकूंगा। पढ़ने में कुछ कोनो फायदा नहीं है? नहीं, हमने के फायदा नहीं है। फिर खाएगा कैसे, पढ़े आएगा तो गवर्नमेंट भी देते। हाँ, भूखे पढ़ के, अब भूखे फिर सूत रहेगा तो फिर खाएगा कैसे? भूखे पेट पढ़ा नहीं जाता ना। भूखे जब रहेगा जब बैठा तो होबे न करेगा तो फिर पढ़ेगा कैसे? कमाएगा तो खाएगा, और पढ़ने से हमने के गरीब आदमी कुछ नहीं फायदा है। पढ़े का विचार करा ही था लेकिन बताने वाला कोई पीठ पर रहे तब तक। मास्टर तो होता है ना पीठ पर? होते हैं, दस गोरा बैठ जाता है तो उसी को तरह वो कोनो के बतावे लगते हैं, कोनो में हा हा ही ही में बात खत्म कर देते हैं। तो तुम्हारा मतलब है कि यहाँ पढ़ाई ठीक से नहीं होता? ना जी ना। और समाज के जो संपन्न लोग जमीन मालिक हैं वो क्या सोचते हैं संपूर्ण साक्षरता के बारे में? साक्षरता के तरह से एक तरह से यहाँ की सरकार हम लोगों को धोखा दे रही है। दूसरी बात है कि जमीन वाले लोग और उनके श्रमिकों के बीच एक मतभेद पैदा करने का यह प्रयास है। वो लोग उनको मौलिक अधिकारों की जानकारी देंगे कि आप थाना में किस तरह सनाह कर सकते हैं, आपका मिनिमम वेजेस क्या होगा, और आप वीडियो से अपने हक की लड़ाई कैसे लड़ सकते हैं। तो अधकचरी जो ये ज्ञान होगी उनकी श्रमिकों की, वो मालिकों के लिए तो समस्या पैदा करेगी। इस श्रमिक को हम 6 महीने में, जैसा इन लोगों का 6-6 महीने का प्रोग्राम है, 6 महीने में हम उसकी साक्षरता का ज्ञान करा देंगे, मौलिक अधिकारों का ज्ञान करा देंगे, तो ये सिर्फ ढकोसलेबाजी के अलावा तो कुछ नहीं है। और जहाँ तक श्रमिकों का सवाल है, वो इससे कोई लाभ तो प्राप्त नहीं कर पाएंगे। लाभ प्राप्त करेगी सरकार, सरकारी अफसरान या नेता और नेता के नुमाइंदे इन लोगों को। और ये लेबर यदि पढ़ भी जाते हैं किसी तरह, थोड़ी साक्षर ज्ञान हो भी जाती है, तो उनका कोई इससे विकास तो होने वाला नहीं है। उनको तो सब दिन किसी न किसी सामने वाले पर आश्रित ही रहना है, क्योंकि जो शिक्षित हैं वो पहले ही से बेरोजगार हैं, तो ये साक्षर होकर कौन सा पहाड़ तोड़ लेंगे? कि जिस जो बर्ताव हम पहले से कर रहे थे, जिसको हम दाब करके रखे हुए थे, वह सामने में पैरेलल जब खड़ा होने की बात आएगी उस समय तक तो कुछ ठेस लगना स्वाभाविक है, और कुछ वैमनस्यता बढ़ेगी, अभ्यवस्था बढ़ने पर कुछ झंझट हो सकता है। हमारे अनपढ़ भाइयों ने, बहनों ने मुझे और हमारे प्रोग्राम को ज़्यादा सहयोग दिया है। हमारे पढ़े लिखे भाइयों से अभी और अपेक्षा है। हमारी जो संरचना अभी बनी हुई है, जिस संरचना में हम अपने निर्देश जिला से टोले तक पहुंचाना चाहते हैं, वहां तक हम उसको पहुंचा नहीं पाते हैं। क्या बिहार स्टेट गवर्नमेंट आपको पूरा सहयोग नहीं दे रही? बिहार स्टेट की गवर्नमेंट जो है वो सहयोग तो दे रही है, लेकिन हमारे सरकारी कर्मचारियों को साक्षरता के विभिन्न आयामों का जो उन्मुखीकरण होना चाहिए वह उनके पास पूरा नहीं हो पाया है। तो सहयोग देने की इच्छा रखते हुए भी
सादी भाषा में आपसे ये पूछें कि क्या बिहार सरकार को इस प्रोग्राम के महत्व के बारे में पूरा मालूम नहीं है? वो राजनैतिक अप्रूवल जो कहा जाता है, सहमति तो ठीक है, लेकिन इच्छा शक्ति का अभाव एक सीमा तक कहा जाएगा। Many of the government's development projects in the past have been disrupted by vested interests, including political interests. How is it that the literacy program has not been disrupted? I think this is gaining success, not because of us, but because the target group whom we are trying to literate and whom we are trying also to liberate. Perhaps it is their hours for liberation, to get rid of the darkness in which they are. It is their hours for a better and a brighter future, which is helping us to carry this program through. We will make vigorous effort. In fact, our effort is already on for post-literacy program, so that these learners, new learners, they are in a position to retain what they are learning. Are you confident that the persons who become literate in 1991 will still be literate in 1993 and 1994? Oh yes, we are very much confident. And will you guarantee that? Yes, I do guarantee. अभी लोग उत्साह में आके जरूर कर रहे हैं, लेकिन यह उत्साह धीरे धीरे ठंडा पड़ता जाएगा। जैसे सोडा वाटर का बोतल खोली तो बहुत तेज गैस निकलता है, यही स्थिति अभी इस साक्षरता अभियान की है। देखा आपने कि मुजफ्फरपुर में साक्षरता अभियान चल तो रहा है, लेकिन कई रुकावटें हैं। इसकी गति बहुत धीमी है, लेकिन पढ़ने वालों ने पढ़ने के लिए जो दिली इच्छा दिखाई, उससे हिम्मत बढ़ती है कुछ तीखे सवाल उठाने की। क्या वजह है कि आज 1.5 साल के बाद भी ये साक्षरता अभियान 150-200 गांव तक ही महदूद है, बाकी 800,000 गांव में दरअसल ये शुरू ही नहीं हुआ? क्या वजह है कि आज भी समाज के हर वर्ग ने इस साक्षरता अभियान को सहयोग नहीं दिया? क्या वजह है कि बहुत कम स्वयंसेवी संस्थाएं इस अभियान के साथ जुड़ी हैं? क्या वजह है कि आज भी पॉलिटिकल विल, राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी बताई जा रही है? लेकिन साक्षरता अभियान ने ये उम्मीद जगा दी है कि नेतागण और अफसर ज़्यादा या कम सहयोग दें, जब मुजफ्फरपुर की जनता जाग उठी है तो हर इंसान साक्षर होकर रहेगा, हर इंसान पूछकर रहेगा, पूछो कि ये दुनिया है क्या, अच्छा है क्या, बुरा है क्या, पूछो कि ये महंगाई क्यों, हरसू सितम आराई क्यों। जब ये सब सवाल उठ रहे हैं लोगों के दिलो दिमाग में, तो फिर देर कितनी, रात से प्रभात में।